नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोनल यूनिट ने दो ड्रग्स एडलर को नशीली दवाओं और 2 किलोग्राम चरस के साथ जब्त किया। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। मंगलवार 15 सितंबर को राज्य महाराष्ट्र के जिले थाने में स्थित भयंदर के पूर्व गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दो ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स माफिया पर अपनी जंग जारी रखने के लिए एनसीबी ने दो ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने नालासोपारा पश्चिम से 24 वर्षीय अविनाश अरुण सिंह को गुप्तचरों द्वारा बताए गए भयंदर पूर्व स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के पास रोका गया और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके बैग में छुपी हुई नशीली दवाओं को प्राप्त किया गया, साथ ही साथ 8 पैकेट चरस वीड भी जब्त किया गया, जिसका वजन 2 किलो 4 ग्राम बताया जा रहा है, जो कपड़े के बैग में सिलाई करके छुपाया गया था। उससे ये ड्रग्स जब्त करने के बाद उसने नालासोपारा पूर्व में ही रहने वाले 38 वर्षीय श्रवण एल गुप्ता के बारे में भी बताया। ये श्रवण गुप्ता अविनाश सिंह के साथ चरस पहुंचाने के लिए टेलीफोनिक संपर्क में था। इस दोनों पेडलर से गहन पूछताछ करने पर वास्तविक सप्लायर की पहचान हुई, जो भयंदर पूर्व का निवासी बलिराम उर्फ बल्ली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार ये दवाएं और ये चरस कहां से आ रही है, इसकी चैन को देखने के लिए गहन जांच चल रही है। परंतु एनसीबी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मंगलवार को भयंदर में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की गई और इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये थी हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दो पेडलर के साथ सप्लायर को नशीली पदार्थों के साथ हिरासत में लेने पर जानकारी। ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।